अरबी सीखेंगे तो अरबी की व्लॉग भी बना लेंगे, तो खैर बहरहाल अरबी सीखेंगे तो अरबी की टांगे तोड़ देंगे, अभी पंजाबी इस तरह उर्दू और इंग्लिश की पंजाबी तोड़ते उर्दू हैं। और इंग्लिश ही तोड़ते हैं। निकाल ही लेता मैं भी, वो देख कितना बड़ा ट्रक आ रहा है, इतना बड़ा भी नहीं है वैसे, अल्लाह माफी देवे। Anik ये Khan, क्या असल why बता don't दो you play the song? The which song? we are already recording. Are we? Yeah. Which song? Barish maybe? First of all, I want to know which language is this video in? Which Both. language are we? Both? Both. Okay, both. Okay. It's going to be on, I guess, Anik Khan. Hold on. I don't want to get into an accident in your vlog, dude. That would be so fun. That would be so fun? Are you out of your mind? Are you out of your mind? I sound like, what's his name? Bruno Mars, right? You sound like a... Like a bows. Nah, I wanted to say something really mean, but I can't. You're recording you can, this. You can. Why not? You yeah, sound like sure. A effing retard. Yeah. Okay. Let's sing along. Okay, I'm gonna turn it down so that it doesn't get the copyright strike. What is this vlog all about? I mean, seriously, you're drinking water and we're talking casually and... That's what vlog's all about. That's... okay. A bright yellow car behind us. Bright yellow. Yesterday... I don't think you guys can see that. No, they can't. Yesterday I saw a bright green Lamborghini. Yeah. I've never seen a bright green Lamborghini. That was weird. Yeah, I've seen the pics. Yeah, I took some pictures. Maybe you should add them in the video. Maybe, yeah. Chahta hai kitna tujhe khud magar nahi jaan saka दे दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ के मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ के मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह और ये आई गेस दिस इज टिपिकल देसी थिंग राइट क्या सिंगिंग अलोंग ते तू मुझे बता कि तू बोलना क्या चाह रहा है उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश अंग्रेजी जेड़ी मर्जी जबान च गल कर ले मैं ते कहना बस गल कर दा जा एक्साइटेड क्यों हुआ ओवर एक्साइटेड क्यों हुआ मुझे ये बताओ क्या बात है वजह क्या है किसी का फोन किसका फोन आया किसका टेक्स्ट ऐसा आया जो तुम्हें ओ भाई सानू किसे ने करना नहीं तानू ये भी पता शो किया गा लेने वैसे खुश रहने क्या हुआ सर तेरे साथ रह कर न जाने की होश मुझे ना रहा लफ्ज मेरे जो जुबां पे आके रुके पर हो ना सके वो बयां धड़कन तेरा ही नाम जबे आंखें भी पैगाम ये दे तेरी नजर का ही ये असर है मुझ पे जो हुआ इस दर्द दिल की सिफारिश अब
अब कर दे कोई यहाँ के मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। वो एक कार जा रही है, आपने देखी होगी शायद, वोक्स वैगन की। इसे क्या है, बीटल है ये, क्या कहलाती है, कन्वर्टेबल तो नहीं है, बीटल नहीं है ये। ओ, ये कन्वर्टेबल थी। बहरहाल इसी तरह की एक बीटल गाड़ी का नाम था, उसे पाकिस्तान में हम सब डड्डू कार कहते हैं। वो बड़े मजे की गाड़ी है, तो फॉक्सी जिसे कहते हैं, फॉक्सी भी कहते हैं, डड्डू कार भी कहते हैं। डड्डू कार तो हम प्यार से कहते थे, असल में उसका नाम फॉक्सी होता था। फॉक्सी क्योंकि वोक्सवैगन को फॉक्सवैगन कहते हैं और फॉक्सवैगन से फॉक्सी बन गई। वाह, क्या साइंस है हमारी, मुल्क की साइंस। नहीं, लेकिन ये है कि ये अली गाड़ी पे आ रही है, पता नहीं क्या क्या नाम था, इन्फिनिटी मिस... की कोई QX समथिंग समथिंग समथिंग। लेकिन ये है कि ना गाड़ी थी ना कुछ था, लेकिन स्टिल वी स्टिल मिस दोस डेज। आखिरी दिनों में तो गाड़ियां भी आ गई थी, सब कुछ था। मैं पूरा नया हो गया, मेरा असर दुनिया की बातें बड़ी अब तेरी सुनूं मैं सदा, तुझसे बहाने करूं तू मुस्कुराए वजह मैं बनूं, रोज बिताना साथ में तेरे सारा दिन मेरा, इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ के मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। हालांकि अभी काफी बारिश हुई है और मौसम आज कल जाके खुला है, तो बादल चादल हट गए, अब तो क्लीन है। फिर भी तो बारिश बारिश गाने का आ रहा है जाना, शर्म कर। पूरी तरह और कितना भीगना है, इतने इतने दिनों से बारिश बर्फ बारिश बर्फ बर्फ बारिश आइस स्नो पता नहीं क्या क्या पड़ रहा है जाना, तुझे अभी भी बारिश ही पड़ी है। आइस कैसे पड़ती है, आइस यार ये वो होती है क्या कहते हैं उसे, स्लीट स्लीट कहते हैं ना, तो आइस तो नहीं होती, ये आइस की कंडीशन नहीं, बोंगी मारी जिसे चावल मारना भी कहते हैं, तो अनीक खान ने खड़का दी, इनकी आदत है ये खड़का देते हैं चपेड़। तो पीछे बैठे हुए थे जी चंद गोरे हजरात क्लास में, तो वो तो हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। हाँ, उनके लिए बहुत मजाया था उनके लिए, पहले तो वो हैरान हुए, फिर वो हंसना शुरू हो गए, फिर वो कहते हैं कि तू नहीं कुछ कहता, मैंने कहा मैंने क्या कहना, मैं छोटा हूँ। लेकिन फिर अगली क्लास में जब मैंने बताया था कि मैं बड़ा हूँ उसे उसे दूसरे वाले को, तो फिर वो कहता हाँ अब ठीक है मारा कर मारा कर। लेकिन स्टिल इनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, काफी मतलब डिफरेंसेस हैं इस तरह के। तो राजेश कुथरापाली ना बन जाइयो तो बाकी खैर है। वो क्या क्या कहना क्या चाहते हैं, तुझे नहीं पता राजेश कुथरापाली? नहीं, उसका तो पता है राज का। राज, अबे यार ये क्या रोना शुरू हो गई, चुप करा दे इसको, ये ले चुप करा दिया, इसको चुप करा दिया। तो अब हम घर के करीब आ गए, मेरा ख्याल है व्लॉग को एंड करना चाहिए। तू इतना करीब मुंह से रखता ना, मुंह इतना बड़ा आ रहा होगा, फोन में थोड़ा दूर रख लेता। हां यूं कर लेता, सेल्फी स्टिक दिला देना, ये थी हमारी एक नन्नी मुन्नी सी मासूम सी व्लॉग, इसे जल्दी आप लोग देख लेंगे, हो सकता है आज ही अपलोड। अभी मैं देख रहा था विकास की और तेरी वीडियो के सेकंड व्लॉग थी, सेकंड व्लॉग एवर तेरी और विकास की, जिसमें तुम लोग सेवर फूड्स गए थे। तो वो देख के मुझे सेवर फूड याद आना शुरू हो गया। आई मिस सेवर फूड, आई मिस दैट टू। अगर आप पाकिस्तान में हैं और ये व्लॉग देख रहे हैं
और खास तौर पे इस्लामाबाद पिंडी में है, तो ये BMW Z4 शोइयां मारता जा रहा है चवल आदमी। नहीं तो इसे इग्नोर करें, आप लोग जाके सेवर फूड पे जाएं और हमारी तरफ से दरबार शरीफ में सेवर दरबार शरीफ पे सलाम करें, क्योंकि वी मिस सेवर, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि वो बंदा रोज खा सकता है। नहीं वैसे कुछ लोग तंग आ जाते नहीं खाते रोज, लेकिन हम लोग नहीं आते थे, हमारी यूनिवर्सिटी वहाँ से करीब हुआ करती थी, फिर उसके बाद ऑफिस भी वहीं से करीब होता था और घर से भी ज़्यादा दूर नहीं था, तो इसलिए जाया करते थे। मज़े की बात यह है कि जब पिज़्ज़ा हट और उसके दरमियान कह लें कि वो आती थी कि क्या खाना है, पिज़्ज़ा खाने का दिल है या क्या, तो आखिर जो एंड होता था वो हमारा सेवर ही पे होता था। तो इसलिए वो वकास के साथ काफ़ी सारी व्लॉग्स में जो है वो मैं सेवर गया हूँ, सेवर मैंने तो खाया। अच्छा दूसरी व्लॉग जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसकी 24 लाइक्स हैं, 0 डिसलाइक्स, वह मैं हैरान रह गया, 24 लाइक्स हैं उसकी, जीरो डिसलाइक्स, बड़ी बात है क्योंकि ऐसे कम होता है, बहुत कम व्लॉग्स को ऐसे कम होता है। उस व्लॉग का नाम या व्लॉग जिसे कहते हैं उसका नाम था मेरा ख्याल है इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, उसका नाम मैंने रखा था, लिंक डाल दें तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों ने मिस किया तो वो आप देखें जरूर, बड़े मजे की व्लॉग थी। और उस वक्त तो नहीं बंदे को एहसास होता लेकिन बाद में बंदा कहते हैं क्या बोंगियां मार रहा है, राइट जैसे अभी हमें फील हो रहा है, राइट अभी हम बोंगियां मार रहे हैं, बाद में फिर हम बैठे हुए कह रहे होंगे आई मिस दिस नाउ, आई मिस दिस नाउ। तो वक्त को अच्छी तरह खुशी से गुजार लिया करें और बस यही है, अपना ख्याल रखें। और इंग्लिश में स्टार्ट हुए थे, बीच में पंजाबी भी बोली और अब उर्दू पे एंड हो रहा है, तो ये बस ये हमारी ब्लॉग्स की व्लॉग्स, ये हमारी खसूसियत है कि आपको तीन तीन टच मिल जाते हैं, तो अरबी भी सीख लेनी चाहिए। वैसे आजकल मैं नुमान अली खान भाई को सुन रहा हूँ थोड़ा, तो वो बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि अरबी सीखे, तो मेरा दिल सुनता तो मैं भी बहुत हूँ पर अमल नहीं उतना हो पाता जितना करना चाहिए। नहीं अमल तो वाकई नहीं हो पाता यार, वो मौला वैसे मौलाना तारिक जमील ने जब कहा कि मैं उनको सुनता हूँ तो फिर तो हमारे तो कोई औकात नहीं, हमें तो कम अज़ कम हर किसी इंसान को लाजमी सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। वाकई ये तो है, और क्योंकि मौलाना तारिक जमील हम लोगों के, हम दोनों के मेरा ख्याल है शायद फेवरेट हैं, पाकिस्तान के फेवरेट फेवरेट मौलाना साहब हैं, उनके बाद सबसे ज्यादा मैं नुमान अली भाई को ही सुनता हूँ। अरबी की व्लॉग भी बना लेंगे बस यही खैर बहरहाल सीखेंगे तो अरबी की टांगे तोड़ देंगे, अभी पंजाबी उर्दू और इंग्लिश की तोड़ते हैं, इंग्लिश ही तोड़ते तो बहरहाल अनी खान ने तो जुगते हैं, अनी खान की कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन ये व्लॉग का टाइम ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वक्त ने इजाज़त दी, ज़िंदगी ने मोहलत दी और कैमरे ने साथ दिया, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ठीक है। आज से मेरा स्पॉट भी खाली है, वाजी वाह, ओके।